आईबी हाउसिंग फाइनेंसियर। आईबी हाउसिंग आप जरा किरण जी चेक कीजिए, आईबी हाउसिंग क्या सही लेवल पर है ये शेयर बाय करने के लिए? इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं 160 का जो लेवल था वो एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करने के बाद स्टॉक 200 तक ऊपर गया था, वापस स्टॉक कहीं ना कहीं 160 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हालांकि ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन के अंदर। तो जब तक 160 का लेवल ये कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे लग रहा है कि किसी के पास है या तो कोई फ्रेश लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। तो 160 के नीचे का आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो और आप लॉन्ग करके जा सकते हो, ऊपर में कहीं ना कहीं 185 और जैसे ही 185 का लेवल क्रॉस होता है 200 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। आईबी हाउसिंग पर ये व्यू, लेकिन बाजार की तेजी और बढ़ गई है। 22,200 की बात हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन अब 22,300 को भी पार करके निफ्टी करीब 191 अंक ऊपर।